बिजली के कनेक्शन को लेकर स्थानीय पार्षद ने बिजली विभाग के कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नाराजगी दिखाते हुए पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पूरे राज्य में इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मामला देहरादून का है, जहां कुछ दिनों पहले बिजली के कनेक्शन लगवाने के लिए बिजली विभाग कर्मचारी और स्थानीय पार्षद के बीच में विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट की खबरें भी सामने आई। अब इस मामले को लेकर उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने पार्षद की गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन के प्रमुख महामंत्री दीपक बेनीवाल ने कहा कि पार्षद अभिषेक पंत ने हमारी ड्यूटी के समय हमारे साथी कर्मचारी के साथ मारपीट की और सरकारी दस्तावेजों को फाड़ा, जो वाकई बहुत ही अशोभनीय कृत्य है। हमने इस घटना के बाद धरना प्रदर्शन करके पार्षद की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अभी तक पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा पार्षद बिजली विभाग कर्मचारी मोहनचंद पाठक को देख लेने की धमकी दे रहा है। बहुत सारे आई विटनेस थे उस दिन, काम चल रहा था, ऑफिस खुला हुआ था। आई विटनेस आपको जितने चाहेंगे उतने हम दिलवा देंगे। उन्होंने मारपिटाई करी, इस कदर करी कि अगला कार्मिक मोहनचंद पाठक 3 दिन कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट रहा है आईसीयू के अंदर, जिसके कागजात आप चाहें तो अपने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर सकते हैं। किसी को शौक नहीं होता कि वो जो जाके आईसीयू में एडमिट हो जाए। देखिए, दूसरी बात, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो जो है संस्तुति कर देते हैं। वो ये चीज जो है ये एक धंधा बना रखा है कि कोई आता है कि ये जो है परमानेंट है, लिख के दे दिया, संस्तुति कर दी और इसको जो है बिजली कनेक्शन दे दिया जाए। हम ऐसा एक कागज लाए हुए भी हैं आपको दिखाने के लिए, जो उन्होंने संस्तुति कर रखी है। और ऐसे अगर आप आरटीआई में मांगेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे कागज मिलेंगे जिनमें उन्होंने संस्तुति कर रखी है कि इसको कनेक्शन दे दिया जाए, ये कब्जाधारी है। ये देखिए, अब हमारा सिंपल एक क्वेश्चन है कि पार्षद महोदय एक के लिए लिख सकते हैं, दो के लिए लिख सकते हैं, क्या वो सबके लिए लिख देंगे कब्जाधारियों के लिए कि ये जो हैं कब्जाधारी हैं और इनको कनेक्शन दे दिया जाए। और सबसे कमाल की बात है, मोहनचंद पाठक ने क्या कहा था, सिर्फ यही तो कहा था कि आप लिख के दे दीजिए और 3 गुना सिक्योरिटी और हम जमा कर देंगे। आपने ये कह के मारपिटाई क्यों शुरू कर दी कि मैं पार्षद हूं, मैं चाहूं जो मर्जी करवाऊं, तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब इस कदर हावी हो गए। और आप देखिए कमाल की चीज की, इतने बाद मारपिटाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एडमिट रहने के बाद भी आज तक ना तो उसको गिरफ्तार किया गया, ना उसके बयान दर्ज किए गए और कोई भी कार्यवाही उसके ऊपर नहीं। हाँ, वो खुलेआम घूम रहा है और ये धमकी जरूर दे रहा है कि मैं देख लूंगा, मोहनचंद पाठक को देख लूंगा। इस मामले को लेकर पीड़ित कर्मचारी मोहनचंद पाठक ने बताया कि पार्षद अभिषेक पंत और उसके दोस्तों ने बिजली ऑफिस में आकर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की व देख लेने की धमकी दी और कहा कि हमारी सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें नौकरी करना सिखा देंगे। पाठक ने कहा इस घटना की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।